आज गोहाना के अंदर आपको तेल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर 10 ही वारदात हो चुकी हैं जिला सोनीपत में। बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। कुहाड़ी गैंग ने तो बुरा हाल किया हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। वो नहीं देखता किसको कुहाड़ी में कहाँ लग रही है, कहाँ मार रहा है वो। उनके पास कुल्हाड़ी भी है, उनके पास बंदूक भी है। पहले कुल्हाड़ी से वार करते हैं, अगर फिर भी कोई अपोज करता है तो अपनी पिस्टल बाहर निकाल लेते हैं। हम प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस कुल्हाड़ी गैंग को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि हमारी जनता भी, आज तो हम पेट्रोल पंप वालों के साथ हो रहा है, कल ये और किसी के साथ भी होएगा। तो क्या लगता है ये बिना तेल के काम चल रहा है? नहीं चलेगा भाई साहब, कैसे चलेगा? सुबह शाम किसी टाइम भी आने का काम नहीं है, तेल थोड़ा रह रहा है इसमें। आज गोहाना के अंदर आपको तेल नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट गोहाना ही नहीं, पूरे सोनीपत जिले के अंदर आज आपको आपकी गाड़ी के लिए तेल नहीं मिलने वाला है। जानते हैं, कपूर नरवाल हैं, धवन साहब हैं, भटेजा साहब हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और आज जो है वो पेट्रोल पंपों की स्ट्राइक है। क्या कहना है सर, क्यों स्ट्राइक की है और ये कब तक रहेगी? क्या ऐसा फिर भी हो सकता है? देखिए, स्ट्राइक करके हम खुश नहीं हैं, क्योंकि आम पब्लिक को इससे तकलीफ होती है, क्योंकि पता नहीं पब्लिक ने कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन हम मजबूरी में ये स्ट्राइक कर रखी है, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर 10 ही वारदात हो चुकी हैं जिला सोनीपत में, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। और ये स्ट्राइक हमने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब पुलिस की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन दिया जाता है तो हम स्ट्राइक भी खोल देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भी, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल हर आदमी की ज़रूरत है। हम किसी को ये नहीं चाहते कि भाई किसी को तकलीफ हो। दूसरा, हमने अब की बार स्ट्रिक्टली ये कहा है पंप वालों को, अगर हमारा कोई भी पंप का मालिक तेल देता मिलेगा उसको 11,000 रुपये जुर्माना लगाएंगे। दूसरी तरफ एक हमारी तरफ से ये भी ऑफर है कि भाई इस कुल्हाड़ी गैंग को या दूसरे को हमारी कोई मदद करता है पकड़वाने में, जिला सोनीपत यूनियन की तरफ से उसको 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है, 1,00,000 रुपये का इनाम आप दे रहे हैं, क्या इतने खौफ में आप लोग हैं कि इनाम रखना पड़ा, बंद करना पड़ा? नहीं, खौफ तो आप ये देखिए, ना मालिक सेफ है, ना हमारे सेल्समैन सेफ है। वो भी हमारे मतलब बच्चे हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी हमारे ही हैं। मतलब वो सेफ नहीं होंगे तो हमारे यहाँ कौन नौकरी करेगा, कौन वो उनका मामला बनेगा। बड़ी बात है। धवन साहब किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? हाल बहुत ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कुहाड़ी गैंग ने तो बुरा हाल किया हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। वो नहीं देखता किसको कुहाड़ी में कहाँ लग रही है, कहाँ मार रहा है वो। इसलिए हमने 1,00,000 रुपये का इनाम भी रखा है, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस वाला ही उसको पकड़े, हम उसको भी देंगे इनाम। मतलब दर्द है इस बात का कि आज, लेकिन परेशानी बहुत हो रही है लोगों को, क्योंकि देखिए आज तो हर चीज़ जो है इसी चीज़ पे चलती है। अगर ये 24 घंटे के लिए पूरे ज़िले में बंद है तो सड़कों पे देखिए आप, भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए तो हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं भाई, हमारा साथ दे हमें। बहुत बड़ी बात है। भटेजा साहब, आप गोहाना एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और क्या डिमांड करते हैं सरकार से? सबसे पहले तो हमें इस बात का खेद है, पब्लिक से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम पब्लिक को एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दिन रात आपकी सेवा करते हैं, कृपया करके आज हमारे साथ सहयोग दें। और प्रशासन से हमारी ये डिमांड है, जल्द से जल्द इन बदमाशों को पकड़ा जाए और जो भी पैसा लूटपाट हुआ है उसकी रिकवरी की जाए। और आशा करते हैं फ्यूचर में भी इस तरह की कोई वारदात हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। बड़ी बात है, अभी तो ये लूटपाट हो रही है, कुछ और भी हो सकता था, कोई हादसा भी हो सकता है। जैसे कुल्हाड़ी गैंग घूम रहे हैं, और भी हैं, वो शार्प वेपन लेके सरेआम घूमते हैं। उनके पास कुल्हाड़ी भी है, उनके पास बंदूक भी है। पहले कुल्हाड़ी से वार करते हैं, अगर फिर भी कोई अपोज करता है तो अपनी पिस्टल बाहर निकाल लेते हैं। मतलब अब डर लगता है पेट्रोल पंप पे जाने में।
देखो जी, डर तो डरना तो बिल्कुल है ही है, डरना पड़ता है, क्या करें। तो वैसे तो दावा किया जाता है कि हमारा प्रदेश जो है कानून व्यवस्था बहुत सही है, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण है, आज पूरे ज़िले के पेट्रोल पंप बंद है। देखो जी, हमारे पूरे स्टेट में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर भी कभी ना कभी कोई कमी पेशी हो जाती है, तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे ठीक किया जाए। जाले साहब, क्या कहना है इस आज की हड़ताल पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं K9 मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। हमारा हड़ताल का मकसद ये नहीं कि हमारे को हम जनता को परेशान कर रहे हैं, हम प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस कुल्हाड़ी गैंग को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि हमारी जनता भी, आज तो हम पेट्रोल पंप वालों के साथ हो रहा है, कल ये और किसी के साथ भी होएगा, तो हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सुरेंद्र राम भाई साहब, दूध का काम है, दूध का। तो क्या लगता है, ये बिना तेल के काम चल रहा है? नहीं चलेगा भाई साहब, कैसे चलेगा, सुबह शाम किसी टाइम भी आने का काम नहीं है, तेल थोड़ा रह रहा है इसमें। तेल नहीं होगा तो फिर दूध की सप्लाई नहीं होगी सर, कैसे काम चलेगा ये? आज बंद आपको पता किस लिए है? किस नहीं पता जी, हमने तो क्राइम बढ़ गया है, कुल्हाड़ी गैंग है, लूटपाट हो रही है और बहुत सारी चीजें हो रही है, इसलिए बंद है ये। अच्छा अच्छा, क्या देखते, किस तरह से देखते कानून व्यवस्था? कानून तो ठीक चल रहा जी, मतलब ये अपने आप को सेफ नहीं मानते, लूटपाट होती है पंपों पे, क्या बताए सर। चलो ठीक है, क्यों है, तेल खत्म होगा? तेल खत्म हो गया जी, फिर कैसे काम चलेगा? वही तो हमको जाना है अभी सोनीपत है, तो पूरे जिले में ही नहीं है तेल, तो अभी यहाँ अभी तो आए हैं जी। तो कहाँ से अभी पैदल खींच के लाए बाइक को? पैदल खींच के लाए, फुहारे पे से। फुहारे पे से, तो फिर तेल तो यहाँ भी नहीं मिल रहा, फिर क्या करूँ जी, तेल नहीं मिलता, परेशानी परेशानी है, आज ठप ठप इस वजह जा ही नहीं पाएंगे, फिर तो कहाँ से जा पाएंगे। क्या नाम है? सतवीर। तेल गलाना है? हाँ जी। ये खत्म होगा तेल? हाँ जी। तो ये तेल नहीं मिला तो क्या करोगे? ये करें, मजबूरी है जी, अपने खरीद रखेंगे, तो काम ठप आज। हाँ जी, तो परेशानी तो बहुत हो रही है। हाँ जी, सारे जरूरी काम बंद हो गए। बिल्कुल जी। क्या मांग करो सरकार से, ये इस तरह परेशानी हो रही है? बस परेशानी है जी, सरकार से क्या मांग करोगे? मांग ये करवा देंगे हम, तेल गल जाकर अपना काम कराएंगे जी, हड़ताल होगा जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेखौफ होके अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, और उसके अलावा आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप आज पूरी तरह से बंद है। अगर इसके बावजूद भी किसी ने पेट्रोल पंप खोला या चालू किया, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना है जो एसोसिएशन लगाएगी, लेकिन 1,00,000 रुपये जो है वो इनाम दिया जाएगा जो भी इन बदमाशों को पकड़ने का काम करेगा, क्योंकि पूरा सोनीपत जिला इस समय कुल्हाड़ी गैंग से दहशत में है। और आप आज ये मशीनें देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद हैं, सड़कों पे भी अगर आप नज़र डालेंगे तो सड़कों पे भी कहीं ना कहीं पूरा खाली सुनसान आपको नज़र आएंगी, क्योंकि आज तो जब घर से निकलते कोई भी व्हीकल लेके निकलते तो फ्यूल की ज़रूरत होती है, और फ्यूल की आज सोनीपत ज़िले में पूरी तरीके से हड़ताल है। अगर आप भी घर से निकल रहे हैं तो जान लीजिए कि आज आपको पूरे सोनीपत ज़िले में कहीं भी तेल नहीं मिलने वाला है। और साफ सीधे शब्दों में एसोसिएशन की ये मांग है कि कुल्हाड़ी गैंग पे लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में भी इस तरह की हड़तालें हो सकती हैं। गोहाना से मेरे सहयोगी विशाल के साथ अरुण कुमार।